हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज देखिए इस वाले फोटो का हेयर, देखिए यहाँ पर हेयर अभी किस टाइप से है और हम लोग हेयर किस टाइप से चेंज करने वाले हैं, प्लस में फेस का डिटेल्स देखिए कितने हाई क्वालिटी में हम लोग एडिट किए हैं, तो वही सारे चीज़ आप लोग बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को दबा कर सपोर्ट देखा, ठीक ना। तो देखिए हम इस वाले फोटो को देखिए कुछ इस टाइप से एडिट किए हैं। देखिए इसका हेयर कितना खतरनाक लुक से एडिट हुआ है, देखिए पूरे एक एक टेक्सचर दिख रहा है, प्लस में फेस वाइट कितना हाई डिटेल्स में हुआ है, लिप्स पर कलर देखिए कितना खतरनाक हुआ है, हाई कॉन्ट्रास्ट देखिए सारा चीज़ मतलब हाई क्वालिटी में एडिट हुआ, ठीक ना। तो यही चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वाले फोटो को हम लोग लेकर चलेंगे इस स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो चैनल पर नया हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट किए, ताकि आप लोग को मैं खुद से सारा कुछ बता सकूँ, ठीक ना। तो इस वाले फोटो को हम लोग लेकर चलेंगे सबसे पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। हम देखिए स्नैपचैट एप्लीकेशन अंदर आ जाना है। आ जाने के बाद स्नैपचैट अंदर आ चुके हैं, यहाँ से देखिए आपको इस वाले इफेक्ट को सबसे पहले लगा लेना। इस वाले इफेक्ट को लगा लेने के बाद देखिए बताता हूँ अभी कैसे कैसे करना है। इस वाले इफेक्ट को इस टाइप से लगा लेना है, देखिए बिफोर आपका देखिए किस टाइप का चेंजिंग हुआ, यहाँ से डन करना है। यहाँ से डन होगा फिर हम लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पाना है, फिर आपको यहाँ पर देखिएगा एक ब्रश देखने के लिए मिलेगा, ब्रश का ऑप्शन है, जगह ब्रश का ऑप्शन है। तो इस वाले ब्रश का ऑप्शन को आप लोगों को ले लेना है। इसका सेचुरेशन देखिए यहाँ पर सेचुरेशन वाले पर टाइप कर लेना है, ब्रश वाला पाना है। यहाँ पर देखिए सेचुरेशन का भी ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेना है आप लोग को। यहाँ पर देखिए सेचुरेशन का है, इस वाले सेचुरेशन वाला ब्रश को लेना है। ओनली देखिए फेस पर इस टाइप से चलाना है, देखिए फेस पर इस टाइप से चला लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इस टाइप से फेस पर चलाना है, आप लोग भी चला लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। इस टाइप से अपने हम लोग अपने फेस पर सेचुरेशन वाले ब्रश को चला लेंगे, देखिए इस टाइप से चला लेना है आप लोग को भी। तो चैनल को जल्दी से सपोर्ट देखिए, ठीक है। 1K फैमिली आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को एडिटिंग बता सकूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ से इतना होने के बाद यहाँ से हम लोग फोटो को डन करेंगे, डन हो जाना फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पाएंगे, फिर से देखिए इसलिए ब्रश वाला ऑप्शन लेंगे, फिर से हम लोग सेचुरेशन वाला ब्रश लेंगे, फिर सेचुरेशन को अप्लाई करेंगे फेस पर। देखिए इस टाइप से तो सारा कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि फेस बुरा कैसे होने वाला है। देखिए यहाँ से दोबारा सेचुरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं इस टाइप से। देखिए आप लोग सपोर्ट दिखाते तो मेरे को भी आप लोग को एडिटिंग में सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी दिखाइए सपोर्ट, मैं भी दिखाऊंगा सपोर्ट और करेंगे भयानक एडिटिंग, ठीक ना। तो जल्दी से मिस्टर फोटो डिजाइनर फैमिली से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए यहाँ से इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है, यहाँ से फोटो हम लोग को डन करना, डन होने के बाद हम लोग टूल्स वाला ऑप्शन पाना, फिर से ब्रश वाले ही ऑप्शन पाना, फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पाने के बाद हम लोग यहाँ से एवरी आपके बारे में एक्सपोजर देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोजर है, तो हम लोग अब एक्सपोजर को एक्सपोजर पर लेंगे और एक्सपोजर वाले ब्रश को अपने फेस पर स्टेप चलाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग फेस को गोरा करेंगे, यहाँ से देखिए लाइट देंगे फेस में इस टाइप से। देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे जल्दी से लाइट रूम वाला एप्लीकेशन अंदर, वहाँ से अच्छे से लाइट और कलर को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। देखिए इस टाइप से कर लेना है, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ से इरेजर पर आ जाना है, इरेजर पर आकर यहाँ से आई से मिटा देना है, इस टाइप से आँख से इस टाइप से मिटा देना है, देखिए आँख से इस टाइप से मिटा देना है, हल्का हल्का मतलब आग पर अप्लाई करना है इस टाइप से। देखिए इतना हो जाने बाद यहाँ से हम लोग फोटो को डन करेंगे, डन करने को चलेंगे जल्दी से लाइट वाला एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के। लोकल लाइट वाला एप्लीकेशन के अंदर हम लोग देखिए जो फेस है इसका, हमें देखिए मतलब किस टाइप का फेस है, हम लोग किस टाइप का फेस अभी बनाने वाले हैं। देखिए हम लोग का फेस अभी ऑरेंज है, ब्लैक ऑरेंज है, वाइट है, सारा कुछ फोटो हो गया। तो वैसे हम लोग भी देखिए अभी एडजस्ट करके एकदम कितने किस तरह से देखिए हम लोग अभी फेस को वाइट करने वाले हैं, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ से आते हैं सबसे कम लाइट वाले ऑप्शन पाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को एकदम ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इंक्रीज करना है, हाईलाइट को तो कम कर देना है, शैडो को ज़्यादा नहीं, बस शैडो को 30 के ही रेंज में रखना है, वाइट को टोटल कम कर देना है, ब्लैक को भी कम कर देना है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए हम लोग को बिफोर आफ्टर देखिए, बिफोर आफ्टर देखिए कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। फिर हमें कलर वाले ऑप्शन पर फिर मिक्स वाला टूल पर, अब देखिए हम लोग के फेस से कौन सा कलर मैच कर रहा है। आज देखिए हम लोग इस वाले फेस का कलर ओनली इस वाले कलर से ही मैच कर रहा है, अधिकतर इस वाले कलर से ही मैच कर रहा है, यहाँ का कलर से रेड वाला कलर से मैच कर रहा है, ठीक ना। देखिए कैसे एडजस्ट करना है आज इस वाले, आज देखिए बताते हैं बहुत खतरनाक तरीके से फेस पर, ठीक ना। देखिए यहाँ से इस पहले रेड वाला कलर का देख लेना है सैचुरेशन हम लोग कम करके, तो इससे उतना बेनिफिट नहीं दिख रहा है, रेड वाला कलर का बगल में इसका देखिए सैचुरेशन कम करते जा रहे हैं। फेस देखिएगा बस इतना ही रखना है, 75 मतलब 80 से 75 के बीच में ही रखना है। देखिए ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, देखिए फेस कैसे व्हाइट हो रहा है, देखिए फेस देखिए कितने खतरनाक तरीके से व्हाइट हो रहा है, देखिए
आप लोग जितना चाहे उतना अवॉइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं बस इतना ही रखता हूँ, मतलब मैं 50 की ही रेंज में रखता हूँ यहाँ से। अब देखिए येलो वाला कलर पाना है, इस वाले कलर को थोड़ा सा सैचुरेशन कम करना है, फिर ग्रीन वाला पाना है, ग्रीन वाले को सैचुरेशन इंक्रीज करना है, लुमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना है, और ह्यू को बस मतलब 25 के रेंज में रखना है। फिर ब्लू वाला कलर पाना है, बस इसका हल्का सैचुरेशन कम करना है, मतलब 70 के रेंज में रहेगा, लुमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज करना है, बाकी चीज़ सारी चीज़ को रहने देना, ठीक। यहाँ से डन करना है, डन करने में बताना इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, डिटेल्स पाएंगे, सारे पिन को इंक्रीज करेंगे, डिटेल्स को फुल कर देंगे। यहाँ से सारा चीज़ आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों का फैमिली मेंबर जल्दी से बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके उनके फैमिली जल्दी से कंप्लीट कीजिए, दबा के सपोर्ट दिखाइए। अभी और खतरनाक तरीके से आप लोग हेयर एडिटिंग बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक ना। तो हेयर एडिटिंग का टोटल आप लोग को जल्दी मिलेगा, आप लोग जितना जल्दी उनके फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं उतना ही जल्दी आप लोग को सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए आप लोग को कुछ डिटेल्स आप बताने लगा हूँ, ठीक ना। तो पूरा का पूरा अपना डिटेल बताऊँगा आप लोग को, बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो चलते हैं जल्दी से हम लोग पिक्सार्टल एप्लीकेशन अंदर हेयर को अप करने। अब देखिए हम लोग पिक्सार्टल एप्लीकेशन अंदर आ चुके, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक टूल्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना, तो यहाँ पर देखिए फिर आप लोगों को स्क्रेच का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए स्क्रेच का ऑप्शन, इस वाले स्क्रेच वाले ऑप्शन हम लोग को टाइप करना, टाइप करके हल्का सा साइज को बढ़ा लेना, वार्प का हल्का सा साइज बढ़ाना, यहाँ से देखिए इधर से हम लोग को हेयर को अप करना है, इधर से ऊपर की ओर खींचना है, इस साइड से इधर थोड़ा सा डाउन कर लेना, इधर थोड़ा सा इस टाइप से खींच के थोड़ा सा ऊपर साइड में बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से, और ठीक इधर थोड़ा सा नीचे की साइड से, इतना होने के बाद जैसा फोटो हम लोग डन करेंगे, और डन करके चलेंगे हम लोग बिना किसी देरी के ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो मीनिंग हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के चलते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली मेम्बर जल्दी से बन जाइए। देखिए ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन अंदर आ चुके हैं, ठीक ना। देखिए ये वाला फोटो हम लोग को बहुत धुंधला है, तो धुंधला वाले फोटो में कौन सा ब्रश चलाना चाहिए, और HD वाला फोटो में कौन सा ब्रश चलाना चाहिए, ये देखिए बहुत मैटर करता है, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताऊँ, थोड़ा सा न्यू चैनल है दबा कर सकते हैं, ठीक ना। तो किस मतलब फोटो में बहुत मैटर करता है ब्रश, ठीक ना। तो देखिए जब आप लोग को पिक्सल फोटो होता है, मतलब पिक्सल ठीक ना हो फोटो का, तो इस वाले ब्रश का यूज किया कीजिए, ठीक ना। और जब आप लोग का फोटो का पिक्सल जब अच्छा हो, जब क्लीन है मेरा फोटो, आप लोग देखिए इस वाले ब्रश का यूज किया कीजिए, सारा चीज़ ऐसे ही सारा इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को बताने वाला, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, दबा के सपोर्ट देखिए, मैं भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट देखूँगा एडिटिंग में, ठीक ना। देखिए जब आप लोग का फोटो हाई मतलब हाई क्वालिटी में हो, थोड़ा सा डिटेल्स अच्छा हो, तो इस वाले ब्रश का यूज कीजिए, इस वाले ब्रश का यूज कीजिए, आप लोगों का फोटो बहुत खतरनाक स्मूथ होगा, ठीक ना। और जब फोटो का पिक्सल सही ना हो, तो आप लोग इस वाले ब्रश का यूज कीजिए, देखिए इस वाले ब्रश का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब आप लोगों का फोटो का पिक्सल जब खराब रहेगा, तो इस वाले ब्रश का यूज कीजिए, ठीक ना। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा, ठीक। तो देखिए हम लोग इस वाले ब्रश को ले लेंगे, इस वाले ब्रश को लेकर इसका सेटिंग देखिए कुछ इस टाइप से, इस वाले इसका सेटिंग का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक। देखिए सेटिंग कुछ इस टाइप से, हम साइज को अपने हिसाब से रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए स्मूथ कर लेते हैं हम लोग, इस टाइप से स्मूथ कर लेना, देखिए अगर हम लोग फोटो के हिसाब से भी हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक ना। सारा ब्रश देखिए बहुत मैटर करता है, अगर उस वाले ब्रश को लेते हैं तो हाइड्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वाले फोटो से, इस वाले ब्रश से देखिए जब पिक्सल पटा है तो हाइड्रेस बहुत कम हो रहा है, देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हो रहा है, मतलब ब्रश भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए कर रहा हूँ, अभी और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। अभी और मेरा सीक्रेट चीज़ आप लोग को बताऊँगा, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक। न्यू चैनल थोड़ा सा दबा कर सपोर्ट दिखाइए, और अभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा, देख रहे हैं इस वाले ब्रश से स्मूथ कितना अच्छे से हो रहा है, ऐसे भी और चीज़ आप लोग को बताऊँगा, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से फैमिली मेम्बर बन जाइए, देखिए फोटो लोग कितना खतरनाक तरीके से स्मूथ हो रहा है, देखिए फोटो देखिए कितने खतरनाक तरीके से हम लोग का स्मूथ हो रहा है, देखिए स्मूथ देखिए कितने खतरनाक तरीके से हो रहा है। ऐसे ही भी और सारा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। आप लोग जल्दी से फैमिली मेंबर बन जाए, उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक ना। तो मेरे फैमिली मेंबर बनने के लिए हृदय से शुक्रिया, ठीक। देखिए यहाँ से अच्छा हम लोग अच्छे से स्मूथ कर रहा है, ठीक ना। ब्रश देखिए बहुत मैटर करता है फोटो के पिक्सल्स पर, ठीक ना। देखिए इस टाइप से स्मूथ करना है, आप लोग कर लीजिएगा स्मूथ, ठीक। इस टाइप से स्मूथ कर लीजिएगा। आप लोग देखिए हेयर बताने वाला हूँ कि हेयर में किस टाइप से भी
डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को देखिए अभी फिलहाल मैं एक ही ब्रश बता रहा हूँ, अभी आप लोग को और भी ब्रश बताऊँगा, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा ताकि आपको मेरा कोई वीडियो है नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, ठीक ना। तो इस साइड में देखिए इस टाइप से चला लेना। इस वाले ब्रश का देखिए खासियत ये होता है कि ये देखिए हेयर का टेक्सचर हाइड्रेस में बहुत अच्छा बनाता है। ये वाला देखिए ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जो कि फोटो को रियलिस्टिक लुक देने के लिए काफ़ी रहता है। तो यही चीज़ आप लोग को सारा चीज़ का सारा चीज़ बता रहा हूँ, बस आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाए। देखिए इस टाइप से कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोग को फोटो में, ठीक। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वन के फैमिली जल्दी से कम्प्लीट करें ताकि मैं आप लोगों को खुशी से सारा चीज़ बता सकूँ और आप लोग भी मेरे से अच्छे से सीख सकें, ठीक। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।